हिंदी बिगिनर्स को मेरा सलाम। स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल एक्टर दी एक्टर। आज इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को नौकरी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए आप क्या क्या तरीका अपना सकते हैं बहुत सारे चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो फिर चलिए देख लीजिए, अगर आपके नौकरी जैसे प्रॉब्लम है तो फिर इसका हल कैसे निकालें और क्या क्या तरीका आप अपना सकते हैं। जिन लोगों की नॉकनीज का प्रॉब्लम होता है तो फिर देख लीजिए नॉकनीज का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये बंदा ऐसे खड़ा है और इसके जो घुटने का बीच इनमें कोई गैप नहीं, तो इस तरह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इसको ही हम नॉकनी कहते हैं। इस तरह एक खंभे की या फिर कुछ वॉल और पोल की सपोर्ट लीजिए, अपने पैर में वी शेप बनाइए और इस तरह उठक बैठक कीजिए। इस तरह से 10 से 12 बार आपको रिपीट करना है और ऐसे उठने बैठने का वक्त आपको ध्यान ये रहे कि बैठने का वक्त आपका नी का फेस आउटवर्ड रहे। तरह जंप करके बैठने के वक्त आपको ध्यान ये रहे कि आपका जो बैठने का वक्त आपका जो घुटने है या फिर नी जॉइंट है उसके फेस आउटवर्ड रहना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 3, इस तरह पैर में गैप लीजिए और ऐसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सिर्फ स्ट्रेच नहीं आपको ओवर स्ट्रेच करना है। इस तरह से 10 से 12 बार बटरफ्लाई का रिपीटेशन कीजिए और उसके बाद 10 12 बार हो जाने का बाद ऐसे स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच करके 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कीजिए, उसके बाद फिर से बटरफ्लाई 10 टू 12 रिपीटेशन, उसके बाद फिर से ओवर स्ट्रेच। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे अपने पैर को मोड़ लेना है और दाहिने हाथ की जो एल्बो जॉइंट है इससे दाहिने घुटने को बाहर की तरफ धकेलिए और बाएं हाथ से अपने बाएं पैर की नी के बाहर की तरफ के लिए ऐसे ओवर स्ट्रेच करके होल्ड करना। पैर को इधर पे रखिए और जो ये जो घुटने हैं इसको बाहर की तरफ प्रेशर दीजिए, इस घुटने को आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ प्रेशर देना है। चेंज करके भी आप कर सकते हैं, इसको दीजिए सपोर्ट और इस घुटने को बाहर की तरफ प्रेशर देना। आपकी पैर को इस तरह से पूरा घुमा के मोड़ दीजिए, मोड़ देने का बाद आपकी पैर का जो टो है टो को इस एल्बो जॉइंट में फंसा देना है और इस तरह से स्ट्रेच करना है। ऐसे स्ट्रेच करके ओवर स्ट्रेच करके आपको होल्ड करना है। लगभग आप सब लोगों को पता है कि नौकनी का सलूशन करने का एक तरीका है एक योगासन जिसको हम जानते हैं ट्री पोज या फिर वृक्षासन नाम से। इस तरह आपको एक पैर के सपोर्ट में खड़े होकर दूसरे पैरों को या थाई के पास रखना है और इसको आउटसाइड में धकेलना है, हाथ ऊपर कर। और एक तरीका है जब आप जिम में साइकिलिंग की प्रैक्टिस करें या फिर और किसी वक्त साइकिलिंग करें तो फिर आपका साइक पैटलिंग करने का वक्त आपको ध्यान ये रहे कि ऐसे पैटलिंग करने का वक्त आपका जो नी है
नी आउटवर्ड में रख, ऐसे नी आउटवर्ड में रख कर आपको पैटर्न करना है। उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर ये आपके काम आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कीजिए शेयर।